जैसे बॉलीवुड में आलिया भट्ट है, वैसे मैं यहाँ का गेमिंग में सबसे लोएस्ट नॉलेजेबल हूँ। व्हाट यू आर एंजॉय डूइंग माय फ्रेंड, यू यू डोंट नो, यू वॉच मी अ लॉट माय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट वॉच मी आई वॉच यू एंड आई विल किल यू, ट्रस्ट मी इन दिस। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज किड्स एंड आज मेरे साथ है सोलो एंड He's a Valorant streamer. Pretty sure बहुत लोग उनको जानते होंगे. So, Solo, can you introduce yourself? वैसे तो मेरा real name मनन है, पर हाँ पूरे gaming world में लोग मुझे Solo कहते हैं. And बहुत time से stream कर रहा था, around 1 year. और अब जाके जो इतना hype vibe मिली है, वो भाई अलग ही नशे है उसके लिए, सही में. एक साल का journey थोड़ा अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा है. सबसे पहले start मैंने किया था, जो सबसे तब उस time PUBG Mobile था, जो इतना hit नहीं हुआ था. सिमुलेटर का हिट तो बाद में आया, पहले वो नॉर्मली मजे में खेलते थे सारे स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स. एंड वहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं गया था सी एस गो में, जब मेरे को सी एस गो मेरा मेन गेम था, बट उसमें कोई लोग देखते विकते थे नहीं, तब जानते नहीं. तो 3 महीने तो मुझे लग गए रेगुलर करने में, कि रेगुलर स्ट्रीम करने में यूट्यूब ने रिकमेंडेशन में तब लेना स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद कुछ रेड्स आई, कुछ बहुत सारे लोगों का प्यार आया, बट एट अ पॉइंट आफ्टर 6 मंथ्स मेरा चैनल 3K पे अटक गया. उसके बाद ना आगे बढ़ा ना पीछे आया, और वहाँ पे अटका रहा वो 3 आई थिंक फॉर लाइक 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ. तो पूरा 1 साल की जर्नी तो उसमें लटक गई. एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, लॉकडाउन आ गया, तो सोचा कि लॉकडाउन में अब कुछ काम तो है नहीं, तो स्ट्रीमिंग ही करते हैं. सी एस गो की स्ट्रीम करता था उस टाइम, ये सुना था कि वैलोरेंट कुछ आ रहा है और उसकी थोड़ी हाइप है इंडिया. तो मैंने ये सोचा था कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इट नाउ, अब पीछे नहीं हटना, ट्राई करते हैं. बट वही वैलोरेंट आया ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, यही लगा हुआ था. और सी एस गो तब इतना था नहीं, तो आई वॉज अबाउट टू क्लोज माई स्ट्रीम, मतलब एंड करना था कि यार अब लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है एंड आई हैव टू टेक, क्योंकि अब मैं आई एम 21 नाउ, तो फैमिली बिजनेस ये सब कुछ तो करना पड़ेगा. तो गेमिंग छोड़ने का मन नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मैंने स्ट्रीमिंग भी बंद नहीं की. तो मेरे डैड कहते थे कि देख, देखो खेलना है गेम, तू स्ट्रीम क्यों कर रहा है, क्योंकि तुझे गेम खेलना है, तो क्यों ना वैसे ही रख, जब भी तू गेम खेल रहा है स्ट्रीमिंग कर दे. तो वो ले लेके अब यहाँ तक जर्नी आई है, देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे. पीक पीक शाउट आउट आपके लाइक पापा को, क्योंकि ऐसा अगर नहीं बोलते तो प्रोबेबली आज लोग जानते नहीं हुई सोलो. हाँ बिल्कुल. सो हाँ, कोई प्लान है ई-स्पोर्ट्स सीन में घुसने का, बिकॉज रेडिएंट हो ऐसे भी तो लोग तो बुला ही रहे होंगे. वही लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं, बट एज वी ऑल नो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स वो होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल या फिर कोई नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं. सर मैंने ई स्पोर्ट्स के लिए ट्राई बहुत किया था, बट एज मेरा गेम प्ले जो है वो सबको पता है कि टीम कोऑर्डिनेशन मेरा जीरो है शायद, एंड एज वेल एज एम है थोड़ा, गेम सेंस खुद का मिला के कुछ ना कुछ बन जाता है. बट अगर ई स्पोर्ट्स के लिए खेलना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए टीम में ये सब है. सी एस गो में ट्राई किया था, हुआ नहीं, शायद वैलोरेंट में आगे हो जाए. अभी तो वैलोरेंट नया गेम है, तो उसको एंजॉय में करते हैं, फिर आगे पता चलेगा क्या क्या है. तो व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट के हाँ, कभी हम लोग देख सकते हैं सोलो को ई-स्पोर्ट्स सीन में. या फॉर श्योर ई-स्पोर्ट्स डैम श्योर, क्योंकि अगर मैं एज अ स्ट्रीमर एज अ गेमर हूँ, तो मैं ई-स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट पार्ट है ई-स्पोर्ट्स के बारे में मैनेजमेंट, जो उसकी जो मैनेज करना होता है ये सब बहुत पसंद है मेरे को. मैंने देखा हुआ है मेजर्स ये सब, तो उसमें ऑफ स्ट्रीम जो उसकी सब चीजें होती हैं वो देखी हैं. सो आई थिंक अगर मैं ई-स्पोर्ट्स नहीं जा पाया तो मैं एटलीस्ट उसका मैनेजमेंट में चला जाऊंगा. कौन सा मैप डू यू हेट द मोस्ट एंड व्हाई? ये अभी आई थिंक सबको पता है, बाइन मैप आई हेट द मोस्ट. सीरियसली आई थिंक वो मैप मैं चाहूंगा, अगर कल को मैं रॉयड के साथ कुछ टाइप भी हुआ, आई विल कॉल देम एंड से दैट प्लीज बाइंड मैप हटा दो, एड एनीथिंग बट रिमूव बाइंड मैप, जस्ट बिकॉज आई थिंक बाइंड मैप पे थोड़ा टीम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए. बाकी मैप में आप कैसे भी कर सकते हो, बट जैसे उसमें टेलीपोजिशन है, उसमें फेक बहुत अच्छा हो सकता है, तो उस वजह से आई थिंक बाइंड मैप थोड़ा उसको करता है मेरे लिए वीक, क्योंकि मेरा टीम कोऑर्डिनेशन एज यू नो इतना अच्छा नहीं है. बट वो मैप एज अ इमॉर्टल लेवल पे आई हेट इट. अगर हम डायमंड या इम्प्लाट पे खेलूं मैं, तो वो मैप बहुत इजी है. नॉर्मली बाइंड का एवरी गोल्ड गेम एक एक करके हुक्का से गिरेगा, सब मरेगा, एक एक करके मरेगा, एक साथ में नहीं मरेगा. लाइक बॉलीवुड का मूवी चल रहा है, उधर से एकदम हीरो रेडी है, इधर से एक एक करके आएगा मरेगा. अभी बिगिनर्स के लिए लाइक जो नया स्टार्ट किया है वैलोरेंट, व्हिच लाइक कौन सा एजेंट आप सजेस्ट करोगे, एंड वो लोग इम्प्रूव कैसे करें टू गेट बेटर एट द गेम?
मैं सबको यही कहता हूँ, पहले तो इम्प्रूव अगर तुम्हें गेम में करना है तो तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा ज्यादा, और गेम ज्यादा खेलोगे तो तुम जहाँ गलतियाँ करते हो वो ऑब्जर्व करो कि तुमने क्या किया ऐसा कि जो तुम उस चीज़ को क्या और नई नई चीज़ क्या कर सकते थे और उसमें क्या गलती की है, तो आगे वो गलती नहीं होगी। अब जो अगर हम एजेंट्स की बात करें तो आई थिंक फर्स्ट आई सेज जो अभी लोअर लेवल पे फिर भी चलती है, सेज इज़ गुड क्योंकि वो पीछे रह के गेम समझ के खेलती है, एंड ब्रिम इज़ ऑल्सो गुड, बस तुम्हें स्मोक जाने, अगर तुम सी एस गो बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक ब्रिम इज़ रियली गुड फॉर यू, और फिर धीरे धीरे तुम अपने आप चेंज करते हो। वेयर एज अगर तुम एंट्री फैगर हो ये सब हो तो आई सजेस्ट कि गो विद जेट, अदरवाइज गो विद फिनिक्स, वो ज़्यादा बेटर है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एजेंट थिंग, कोई भी एक एजेंट पकड़ो, अगर तुम बार बार एजेंट चेंज करोगे तो तुम कोई सीख नहीं पाओगे, बट एक और चीज़ इसी के अंदर कि अगर तुम एक एजेंट पकड़ लो तो तुम्हें बाकी एजेंट के बारे में जानना जरूरी है, जो पबजी के बैकग्राउंड से ये सब हैं जो लोग खेलते हैं, आई थिंक उनके लिए साइफर इज वेरी गुड क्योंकि वो थोड़ा पीछे खेलते हैं एंड समझ के खेलते हैं एज कम्पेयर टू सी एस गो, हम सीधा रश भी कब लिया। What's up with this accent, bro? When you play solo with the other enemy, like someone not from India in getting a team, what's up with this accent? Why is this? ये actually CSGO accent है जो मैं दुबई server पे बहुत ज़्यादा खेला हूँ और मैं हमेशा खुल के खेलता हूँ, मैं डर के नहीं ऐसे नहीं सोच के खेलता कि यार मेरी इंग्लिश बेकार है तो शायद से वो कुछ कहेंगे या कुछ, तो उनके साथ खेल खेल के ऐसा एक्सेंट हुआ है। बट जब मैं स्ट्रीमिंग करता था तो मुझे पता है बहुत हेट आने वाला था, मुझे ये भी पता था कि लोग फेक एक्सेंट की लाइन लगा देंगे, जॉब हो रहा है आई नो, बट आई एम रियली ग्लैड कि मेरे कुछ वॉचर्स मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे दिल जीत ही जाते चाहे कितने भी हेटर्स हैं, उन लोगों की वजह से मेरे को ये इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुला होकर बोल सकता हूँ यस आई हैव एन एक्सेंट, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। या हे मैं भी पर्सनली व्हेन यू टॉक इन दैट आई सेड हां ठीक है अब मजा आएगा गेम देखने में। पर्सनालिटी जो है वो आउट ऑफ द गेम इज डिफरेंट, बट अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो मेरी वो पक्का इंग्लिश, दैट्स योर इन गेम पर्सोना। एक्चुअली लोग मेरे को कहते हैं वो हेलो माय फ्रेंड या फिर व्हाट यू डूइंग माय फ्रेंड ये सब बोलो, बट आई एम लाइक कि जब मैं गेम खेल रहा हूँ तभी बोल सकता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट। दैट्स लाइक अ फ्री डीएलसी ऑफ सोलो व्हेन ही प्लेज वैलोरेंट। टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड, ठीक है कॉफी विद करण भी पूरा हो गया मेरा, कॉफी विद किड्स इन जी फॉर जीसी। योर फेवरेट एजेंट रेज, actually Jet also please. I like Shannon so Jet also. Yeah, cool. Your favorite map? Heaven. Oh my god, that same. Yes. Phantom or Vandal? Vandal. Oh. Phantom is easy. So CSGO or Valorant, which one do you like more? That's I'm not gonna answer that, but honestly both but वैलोरेंट की वजह से मेरे को बहुत हाइप मिला, जो सीएसगो अगर उस टाइम नया आया होता तो डेफिनेटली उसकी भी हाइप मिलती, बट या आई थिंक 4 साल से सीएसगो खेल रहा हूँ और मेरा एटीट्यूड है कोई नई चीज़ पे जंप करना पहले, तो वैलोरेंट आई थिंक मेरे को लगा 2 वीक के बाद छोड़ने वाला हूँ, बट ना वैलोरेंट इज लाइक गुड नाउ। सो यू आर लाइक यू हैव दैट सॉफ्ट स्पॉट फॉर सीएसगो बट वैलोरेंट। Yeah, I mean, if something happened with CS:GO, like koi event aaya, kuch aaya, I'm definitely gonna play CS:GO for sure. Nice. So Sheriff or Deagle? Sheriff. Deagle is no, not anymore. Sheriff is easy than Deagle, honestly. हाँ, same. मेरे को भी same लगता है. Deagle का तो एक shot नहीं लगता मेरे से. Sheriff का लगता है, सबका लगता है. Sheriff का लगता है. Deagle का एक shot नहीं लगता. Would you like to eat pineapple pizza? What? No, I never did. Pineapple pizza? No. Do you plan to do any 24-hour stream? Yeah, I did once and I'm also planning for it. Your favorite Indian esports athlete? Indian esports athlete. Why we are talking about Indian esports athlete? I think apne as you know. Apne hai, isliye. I think Venom sir, I would say. Favorite Indian Valorant streamer? I wouldn't say it, but I think recently I've started. Okay, fine. Top three. Top three mein, I think. जब राइट टू एस आए थे एक, क्योंकि उनका सोवा प्ले बहुत ही ओके, आई एम टेलिंग यू उनकी जो गेम प्ले है वो इट्स रियली गुड, तो प्लस वो ईस्पोर्ट्स प्लेयर है, एंड एसके रॉसी ऑल्सो, ये दोनों तो थे ही, बाकी आई विल से और भी हैं जैसे वीएलटी की पूरी टीम है, एक्चुअली अगर आप देखोगे वीएलटी की पूरी टीम में एक अलग ही चीज़ें हैं, आप देखोगे विबोर अनुज सर बोलूँगा क्योंकि मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाता उनका जो नेम है, तो इन सबका अलग ही है गेम लेवल, तो
मतलब ऐसा नहीं लगता कि कि सेम सेम लगेगा दोनों, सबको एक जैसी खेल रहे हैं, बट ऑल हैव डिफरेंट गेम्स, सो दैट्स व्हाई आई थिंक उन सबको मैं फॉलो करता हूं, ऑल्दो मैं बोलता नहीं, जानबूझ के जाता नहीं उनके चैट पे, सब पे सही नहीं लगता तो बढ़िया, बट वो राइवल आई थिंक मैं अभी साई को और देखना चाहूंगा क्योंकि अभी साई इज लर्निंग दिस गेम, उनके पास टाइम नहीं होता इतना, बट लेकिन योर फेवरेट बोलने से कौन आएगा, योर फेवरेट इंडियन वैलोरेंट स्ट्रीमर, लाइक नॉट ईस्पोर्ट्स और एनीथिंग, लाइक फेवरेट जिसका एंजॉय करते हो सबसे ज्यादा? मैंने पता है किसको देखा है, जो मैं खुद स्ट्रीम करता हूं तो मैं उनको देखते देखते सीखा हूं, वो है विनम सर सबसे ज्यादा। एंड पबजी के लिए अगर जैसे आप क्वालिटी स्ट्रीम देखो तो हाइड्रा भी है, बट मैंने सबसे ज्यादा विनम सर को देखा है, देन उसके बाद स्लो, मैं सारे स्ट्रीमर्स को फॉलो करता हूँ लिटरली, एंड ये है कि मैं बताता नहीं क्योंकि मेरे को मैं बताऊँ सच में, आई डोंट नो व्हाई पीपल से स्टॉकर इज अ रॉन्ग थिंग, बट आई एम अ यूट्यूब स्टॉकर, मैं यूट्यूब पे घुस जाता हूँ और देखता रहता हूँ। मैं पूरा लाइफ तुम्हारा स्ट्रीम स्टॉक ही किया हुआ, आई नेवर कमेंटेड इन योर स्ट्रीम, पूरा लाइफ मैं स्टॉक ही करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ना सिख वॉरियर सर आए थे चैनल पे, एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि हाउ, आई मीन सिख वॉरियर सर को देखा है और वो आउट ऑफ उसमें जो बातें बताते हैं ना वो बहुत है, उन्होंने ही मेरे को बताया कि कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके शायद से कम हो बट कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, और आई वॉज लाइक ये तो बहुत ईजी है कनेक्शन बनाना, करना क्या, बात ही तो करनी है। नो आई हैव सीन यू योर व्यूज, आई मीन योर वीडियोस, तो यू डूइंग आई थिंक 1 year, राइट? Yeah, see, solo checked out my channel, guys. You guys also should. I check everyone's channel, that's for sure. I don't know why people say ki montage dekho, ye dekho, but it's just normal thing. And khelna saath, instead of raiding each other, hum kyun na saath khelein, saath khel ke usse aur better hoga. Kyunki saath khelne pe kam se kam 100 log mein se 10 log aayenge jo aapko regular dekhenge. Agar raid maro, 100 log mein se shayad hi regular dekhne aaye koi. वो मार के चले जाएंगे और YouTube फिर तुम्हारी मारेगा आगे। I leave his channel link in the description below. You can follow Solo. बहुत अच्छा Valorant खेलता है भाई, मैं तो stalk करता हूँ usually. I don't comment. But yeah, जब अभी तो ये ज़्यादा बोला नहीं, जब गेम में घुस जाएगा, you guys need to listen to his English accent when he plays with foreign players. ठीक है? फिर बाद में आके मेरे को बताना. Yeah. Let's end this video with that. ठीक है? What you are doing, my friend? You don't know. You watch me a lot, my friend. And if you don't watch me, I watch you and I will kill you. Trust me in this. I don't know what I said. Anything you want to say to your fans? Fans ko to nahi yaar, but apne do doston aur logon ko kahunga jo dekhte hain sabse zyada. Ki bhaiyo, troll thoda kam kar lo yaar. Ab thoda mere ko professional bhi banwa do. And it's really happy. मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सब कुछ भी होता है वो चैट को ऐसे समझ के करते हैं जैसे व्हाट्सएप चैट है जो मैं उनको कहता था, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो इस काम पे बिल्कुल सही है, बाकी तो आई लव इट कि वो देखते हैं, मैं भी उनको पूरी ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहूँ उनके साथ, सो इट्स एक्साइटिंग। That's it for today's video. See you guys in the next one. This is Kit signing off. Bye bye.